फोन बुक नीचे कर पड़ा सबसे पहले तो मैं लोकतंत्र के इस महापर्व की सभी हरियाणावासियों को, सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नवरात्रों का त्यौहार चल रहा है, नवरात्रों की भी सभी मतदाताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैंने अपना वोट विजय पब्लिक स्कूल सेक्टर 17 में कास्ट किया है। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी, मेरा ग्रैंडसन जो फर्स्ट टाइम वोटर है, इसने पहली बार वोट डाली है और उम्मीद है कि पंचकूला की जनता मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद देगी और हैट्रिक लगाने का मौका देगी। और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं, तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और कुछ सर, खास तौर पे अलग अलग पार्टियां नज़र आ रही है, आम आदमी पार्टी हो, JJP हो, NLO हो, मल्टी कॉर्नर मुकाबला आपको नज़र आता है या वन टू वन मुकाबला नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए कुछ सीटों के ऊपर मल्टी कॉर्नर भी है, कुछ इंडिपेंडेंट्स भी हैं, लेकिन इसका निश्चित तौर पर फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। जिस प्रकार से केवल अदर पार्टीज नहीं, कांग्रेस पार्टी के भी तीन तीन कैंडिडेट खड़े हैं। एक चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी का कैंडिडेट है, एक कुमारी शैलजा जी के कैंडिडेट हैं, एक रणदीप सुरजेवाला जी के कैंडिडेट हैं। तो कांग्रेस के ही तीन कैंडिडेट हैं, बाकी तो अदर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टीज के हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत से मिलेगी। अशोक तंवर के जाने से कोई नुकसान होगा सर, अशोक तंवर के जाने से? देखिए, ये उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। मुझे लगता है, मेरा ओपिनियन है कि चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा ने अशोक तंवर को, कुमारी शैलजा को नीचा दिखाने के लिए उनको शामिल किया है। उनका उन्होंने एक पैरेलल अल्टरनेट पैदा किया है, जो मैं समझता हूँ कि कुमारी शैलजा का अपमान पहले भी बहुत हुआ है और अब भी कुमारी शैलजा का अपमान करने में कोई कसर भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने छोड़ी नहीं। सर, जिस पंचकूला सीट पर आप किसकी चुनौती मानते हैं अपने साथ? देखिए, चुनौती तो अब दो नंबर पर आने वाले कौन है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही दूसरे नंबर पर आएगी, मुझे ऐसा लगता है। आप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं सर, हैट्रिक लगेगी? पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। जिस प्रकार का प्यार, जिस प्रकार का समर्थन जनता में देखने को मिल रहा है, मुझे उम्मीद है कि तीसरी बार मैं पंचकूला का प्रतिनिधित्व करूंगा और हैट्रिक लगेगी। सर, लास्ट टाइम JJP की हेल्प